हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और हम आज बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स का, ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट हम पकाऊ नहीं यानी बोरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ वो ही देखेंगे जो एग्जाम में टॉपिक से उठ के प्रश्न आए हुए, यानी ओनली क्वेश्चन आंसर्स को रिलेटेड है। ठीक है ना, आपने थ्योरी तो पहले ही समझ ली है, क्योंकि ये थ्योरी समझ ली है तो अब आपको सीधा सा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक समझौतावादी विचार के तौर पे जाने जाते, पता होगा आपको। और इनसे जुड़े प्रश्न भी आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, जैसे कि अरस्तु की सबसे फेमस पुस्तक है या प्लेटो की फेमस पुस्तक कौन सी है, रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, मैकियावेली की द प्रिंस। इसी तरह लेवियाथन है पर थॉमस हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1651 में किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनके इन विचारों, इस पुस्तक में विचारों में इतना प्रभाव था कि कुछ एक व्यक्ति हैं या कुछ समुदाय भी हैं जो इनसे काफ़ी कहते ना कि विरोधी हो गए थे। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कि उसकी पुस्तक जो कृति थी लेवियाथन, उसको जला दिया था। हाँ बिल्कुल, तो आप ध्यान रखना थॉमस हॉब्स की फेमस पुस्तक लेवियाथन को जलाने वाले विद्वान का क्या नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे क्लेरडन। क्या नाम है? क्लेरडन, ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ सकता है किस विद्वान ने थॉमस हॉब्स की लेवियाथन पुस्तक को जला दिया गया था। ठीक है ना, तो क्लेरडन विद्वान ने। अब आप एक प्रश्न ये भी आता है कि थॉमस हॉब्स ने राज्य समाज और सरकार के मध्य विभेद किया है कि नहीं, मतलब अपना ये जो समझौता सिद्धांत बताया था, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे नहीं, थॉमस हॉब्स ने सरकार राज्य ठीक है ना और समाज के बीच अलग अलग विभाजन या विभेद नहीं किया, उन्होंने सभी को कॉमन रूप में कहते हैं कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, यानी सभी शक्ति एक समर्पित शक्ति होगी। ठीक है ना, अब एक इम्पोर्टेंट और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि थॉमस हॉब्स ने ये जो बात कही थी सामाजिक समझौता सिद्धांत, तो प्रश्न ये आता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग किन के मध्य हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न एग्जाम में ये मैनिपुलेट कर सकता है या घुमा सकता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो समझौता है ना वो लोगों के मध्य हुआ था, यानी लोगों का समूह है उनके मध्य समझौते हुआ था, उस समझौता का जो परिणाम है वह शासक और राज्य हुआ था। तो आप कदापि ये ना करें कि समझौता है वो राज्य और लोगों के मध्य हुआ, नहीं, राज्य या जो शासक है वो तो समझौते का परिणाम है, क्योंकि ये एग्जाम में पहले ही आ चुका और घुमा के पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। तो थॉमस हॉब्स ने जो लेवियाथन पुस्तक लिखी थी ठीक है ना, उसके अंतर्गत उन्होंने संप्रभुता के संबंध में विचार दिए। तो प्रश्न आ सकता है कि निरंकुश संप्रभुता के का पोषक थॉमस हॉब्स से, तो उन्होंने अपने विचार कौन सी पुस्तक में दिए थे, लेवियाथन के अंदर, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न ये आया हुआ और बहुत बार आता है। अब ध्यान रखना है कि एक विद्वान है तो उनकी पुस्तक जला दी थी क्लेरडन ने, लेकिन एक विद्वान है प्रोफेसर डनिंग, इन्होंने थॉमस हॉब्स की पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी बात कही और वो आप ध्यान रखेंगे, लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीति दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है, यानी प्रशंसा की है। तो जो ये प्रशंसा की है वो आप ध्यान रखेंगे ऑक्सफोर्ड ने, किसने की है, ऑक्सफोर्ड ने ये प्रशंसा की है, उसने क्या है कि महानतम महानतम कृति के बारे में बताया कि बहुत अच्छी पुस्तक है जो थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी गई है। अब एक सिंपल सा और भी ध्यान रखना है कि थॉमस हॉब्स ने लोगों को क्या अधिकार दिया था, तो जैसे ये समझौता हुआ था मैंने पहले ही बताया था, तो समझौते के द्वारा लोगों ने अपने सभी अधिकार है वो एक समूह की शक्ति यानी राज्य को सौंपे थे, जिसका प्रमुख है वो शासक बनाया गया था, लेकिन एक अधिकार है वह लोगों ने नहीं सौंपा था। हाँ, प्रश्न यही आता है समझौते के द्वारा कौन सा अधिकार है वह सामाजिक समझौते के लोगों ने अपना जो अधिकार वो नहीं त्यागा था, तो वो है आत्मरक्षा का अधिकार। और खुद थॉमस हॉब्स ने भी कहा था कि अगर हम जिससे समझौता कर रहे हैं और हमारी वो समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है या हमारे जीवन की रक्षा वो नहीं करता है, तो खुद थॉमस हॉब्स ने उन लोगों से कहा था कि आप राज्य का विरोध कर सकते, इस तरह विरोध का ये अधिकार भी लोगों को दिया है। कहने का मतलब कि हमने अपने सब अधिकार एक व्यक्ति को दिए कि आप हमारी सेफ्टी करोगे, रक्षा करोगे, लेकिन वो रक्षा करने में असफल रहता है, तो लोगों को ये अधिकार है कि वह उस व्यक्ति का विरोध करे, उसको निकाल दे। तो यानी यहाँ पर ये आती है आत्मरक्षा का अधिकार, ये प्रश्न पहले ही आ चुका है और ये आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ध्यान रखना है कि थॉमस हॉब्स ने एक पहली जो रचना लिखी थी उसका क्या नाम था, तो पहली रचना हिस्ट्री ऑफ फिलोनेंशिया वार,
ठीक है ना, ये एक ट्रांसलेशन थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इनकी पहली लिखी हुई। अब ध्यान रखना है कि हॉब्स ने डी कॉर्पोरे, जो मैंने बताया था डी कॉर्पोरे या डी केव नामक रचना है वो कौन सी लैंग्वेज में थी, लैटिन लैंग्वेज में थी, आप ध्यान रखना है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि थॉमस हॉब्स ने जो संप्रभुता का विचार दिया है, वैधानिक संप्रभुता, कौन सी संप्रभुता है, वैधानिक संप्रभुता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और थॉमस हॉब्स के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखना है, उन्होंने कहा है कि शक्ति व बल में भेद होता है, शक्ति और बल में भेद होता है। देखो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ये थ्योरी में से ही पूछा जा सकता है, आपको उस टॉपिक को क्लियर होना चाहिए, तो क्लियर तो मैंने पहले ही किया है, आज सिर्फ कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप ध्यान रखें कि थॉमस हॉब्स ने जो समझौता किया है, इस समझौते के तहत विधि को मौन रहना ही कहा गया है, यानी अगर स्वतंत्रता चाहते हैं तो विधि को मौन रहना पड़ेगा। तो वैसे ये टॉपिक बड़ा नहीं था, मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये बताया था कि कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चन जब वो रिमाइंड हो जाए तो बढ़िया रहे, तो इसलिए ये पार्ट था। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटवारी को लेकर एक वीडियो है वो अपलोड होगा, तो आप उसको ज़रूर देखें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताकि फिर से आपसे संपर्क कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।